सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं और अगर उस सॉफ्टवेयर की हमको सारी शॉर्टकट कीज़ पता हैं तो सॉफ्टवेयर को यूज़ करना, उसके ऊपर वर्किंग करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे बिजी की कुछ शॉर्टकट कीज़, जिनको जानने के बाद आप बिजी सॉफ्टवेयर को ईजीली यूज़ कर पाएंगे। किसी भी पार्टी के अकाउंट को ऐड करने के लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल F1 या ऑल्ट F1। यहाँ पर आप चाहे तो कंट्रोल या ऑल्ट दोनों में से कुछ भी एक यूज़ कर सकते हैं, दोनों का वर्किंग सेम ही रहने वाला है। किसी भी आइटम को ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस F2, यहाँ पर आप आइटम ऐड कर सकते हैं। सेल वाउचर ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस F8। परचेज वाउचर ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस F9। जर्नल वाउचर ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस F7। रिसिप्ट वाउचर ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस F6। पेमेंट वाउचर ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस F5। कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ करेंगे F10। तो जब भी हम सेल वाउचर को ऐड करते हैं तो यहाँ पर अगर हम वाउचर नंबर के अंदर F7 प्रेस करेंगे तो जो भी हमने लास्ट वाउचर के अंदर वाउचर नंबर डाला होगा वो यहाँ पर शो कर जाएगा। तो कोई भी वाउचर एंटर करते वक्त हो सकता है कि आप गलत आइटम या कोई गलत अकाउंट को सिलेक्ट कर लें, तो उसको यहाँ से हटाने के लिए शॉर्टकट की है F9। और ये जो F9 शॉर्टकट की है ये ओनली रो के अंदर ही वर्क करेगी। वहीं अगर आपको रो को इंसर्ट करना है तो आप प्रेस करेंगे इंसर्ट की। किसी भी एंट्री को डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ करेंगे F8। किसी भी पार्टी के अकाउंट को देखने के लिए शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस L। जिसका भी अकाउंट आपको देखना है उसका आप यहां पर नाम डालेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे और यहां पे ओके प्रेस करेंगे तो उसका अकाउंट आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आप बिजी सीखना शुरू कर रहे हैं तो अगर आप इन शॉर्टकट की को याद करें, इन पे प्रैक्टिस करें तो बिजी आपके लिए यूज़ करना इजी हो जाएगा।